स्वागत है गाइज। आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूपी एनएचएम 17,000 रिजल्ट को लेकर, ठीक है। जैसे आप थंबनेल में देख चुके हैं और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, आइए मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलो सब, अगर यूपी एनएचएम 17,000 रिजल्ट देखना है, ठीक ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि सच में ब्रजेश पाठक 17,000 प्लस वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर गंभीर हैं, या यूपी एनएचएम कितना गंभीर है, या सीएम जी कितने गंभीर हैं 17,000 रिजल्ट को लेकर, ठीक है। ये सभी हम देखने वाले हैं। और गाइज रिक्वेस्ट यही है, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखें। गाइज जैसा आप सभी लोग जानते हैं 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को योगी जी को ज्ञापन दिया गया था, ठीक है। भले ही 2-3 लोगों के द्वारा दिया गया था, बट ज्ञापन दिया गया था। और देखिए गाइज 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त, 7 से 12 तारीख तक मेरे जो भी चैनल पे हैं न्यू वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, बैन लग गया था, जिसके कारण मैं आपको 6 अगस्त के बाद 6 अगस्त से ही लग गया था, ठीक है। 6 अगस्त के बाद हम आपको लगातार अपडेट नहीं दे पाए थे, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से अपडेट नहीं दे पाए थे। और देखिए भाई, जब किसी के वीडियो पर मेल आ जाता है, यूट्यूब के द्वारा और उसका बैन कर दिया जाता है चैनल, तो उसको थोड़ा डर तो लग ही जाता है कि भैया ये चीज़ें क्या हो रहा है। इसलिए हमने भी अपना ग्रुप और यूट्यूब पे ये भी चीज़ें सब कुछ हटा दिया था, बिल्कुल कुछ आपको अपडेट ही नहीं दे रहा था, भैया क्या पता कल को क्या हो जाएगा। जब एक जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी एक अन अकेडमी के टीचर जो हैं, उन्होंने बस केवल इतना ही बोला था कि देखिए आने वाले समय में आप वोट उसी को दो जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो उसको नौकरी से निकाल दिया अन अकेडमी ने। फिर देखिए उनके साथ तो लड़के हैं, कैंडिडेट हैं, उनको साथ देने वाले। फिर 2 दिन तक ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा अनइंस्टॉल अन अकेडमी, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने हैं तो मेरे साथ क्या हो सकता है, इसलिए हम भी थोड़ा तो भाई लाजमी बात है डरना ही होगा। इसी के कारण फिर मैंने मेल यूट्यूब को किया, तब जाके मेरा 15 अगस्त को ही 15 अगस्त के दिन ही मेरा यूट्यूब फिर से चालू हो गया और सभी वीडियो जो हटाए गए थे वो पुनः वापस आ गए, ठीक है। तो आपको अपडेट हम देना शुरू कर दिए कि भैया चलिए अभी सब कुछ ठीक रहा। देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर आप जाते हैं अच्छी बात है, लखनऊ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, बट कोई प्रूफ या लाइव आप नहीं दिखाते हैं। तो भैया हम देखिए यूट्यूब पे जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हम कहाँ से किसके द्वारा आपको दिखाएँ, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सब कुछ दिखाएंगे एकदम लाइव प्रूफ होके, ठीक है। गाइस ये लेटर आपने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने ये लेटर देखा होगा, ठीक है। ये लेटर भेजा गया है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा, ठीक है, एनएचएम को सौंपा गया है और ये मीटिंग हुआ था, ठीक है। और आपको बता दें ये 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त को ये लेटर उप मुख्यमंत्री जो है ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री जो है ब्रजेश पाठक के द्वारा एनएचएम को सौंपा गया था, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी हैं सब उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक में सम्यक विद्रोह प्रांत निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाँ नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है 12 नंबर में, एनएचएम के स्तर पर करीब 17,000 संविदा कर्मियों की भर्ती होनी है, इस प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्र संपादित कराया जाए, ठीक है। मतलब ब्रजेश पाठक जो हैं ये कंटिन्यू बयान दे, जैसे आपने अभी देखा होगा न्यूज़पेपर में, ठीक है, बहुत दिन पहले देखा होगा, ठीक है, लास्ट जुलाई में ही देखा होगा आपने, न्यूज़पेपर में भी उन्होंने बयान दिया था कि भैया एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी का जो भी चीज़ें हैं अगस्त में हो जानी चाहिए, ठीक है। बट इनकी बातों को या तो एनएचएम वाले नहीं सीरियस ले रहे हैं, या तो एनएचएम को ऊपर से आदेश, मतलब सीएम जी का आदेश नहीं आ रहा है, तो पता नहीं कि ये अंदर क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रजेश पाठक तो कंटिन्यू प्रयास कर रहे हो तो बोल ही रहे हैं, जैसा कि ये 8 अगस्त को आपको इस लेटर में मेंशन हुआ है, ठीक है। देखिए 7 को ज्ञापन दिया गया था, 8 को ही ये लेटर आया था, ठीक है, 8 अगस्त को ही ये लेटर आया था। तो गाइज कहीं ना कहीं गंभीर हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, और बट हमारी बात जो है ऊपर यानी सीएम जी तक नहीं पहुंच रही है। ज्ञापन 1-2 लोगों को देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे भीड़ दिखाना होता है कि सच में जनता परेशान है इस चीज़ के लिए, तब जाके बातें जो हैं सीएम जी तक पहुँचती हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं आपको क्या कि आप लोग सपोर्ट करें भैया, कल के डेट में ट्विटर कैंपेन है 10 बजे, ठीक है, उसके बाद 28 तारीख को सबको एनएचएम ऑफिस चलना होगा, ठीक है, एनएचएम ऑफिस भी चलेंगे उसके बाद, और योगी जी के जनता दरबार में भी चलेंगे, वहाँ पर भी ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए इस लेटर, ये लेटर 8 अगस्त को जारी किया गया, ठीक है, 8 अगस्त को लेटर आया, उसके बाद इस लेटर के बाद देखिए फिर एक अपडेट आता है,
फिर देखिए ये 8 अगस्त के बाद ये चीज़ें निकल के आती है न्यूज़पेपर में, ठीक कि इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी परेशान हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म से वो धरना प्रदर्शित कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, 17,000+ वैकेंसी को, सब चीज़ इसमें लिखा गया, कब वैकेंसी आई, ठीक है, कितने मंथ हो गए, एग्जाम कंडक्ट हुई, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये भी आपने देख लिया ही होगा, ठीक है। 8 अगस्त के बाद ये वाली चीज़ें हमको देखने को मिली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी बात जो है सुनी जा रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं सुना जा रहा है जिस तरीके से सुनना चाहिए सिस्टम को, ठीक है। इसलिए हम लोगों को भारी से भारी मात्रा में अब प्रदर्शन करना होगा कि हम सीरियस हैं रिजल्ट को लेकर। तो गाइज आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा कैंडिडेट मुझे अगर 50 ही कैंडिडेट मिल गए, 50 कैंडिडेट ही मिल गए जो लखनऊ चलें मेरे साथ, ठीक है, और वहाँ पे ज्ञापन सौंपें, NHM ऑफिस का घेराव करें, ठीक है, शांतिपूर्वक, कोई हुड़दंगई, कोई हंगामा नहीं, ठीक है, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखा जाएगा, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जल्द ही, अदरवाइज फिर चीज़ें कुछ और हो सकती है जैसा अभी पिछले 7 महीने से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, ठीक है गाइज। तो उम्मीद यही है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, हमें समझ रहे होंगे, और देखिए इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहा मेरे चैनल पर, जो भी चीज़ें हैं बैन नहीं होने वाली हैं, वीडियो वगैरह ऐसा नहीं हटने वाला है, तो आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ चल के कि देखिए कितने लोग आए हुए हैं कि और क्या चीज़ें बातें हो रही हैं, सब कुछ आपको चैनल पे लाइव दिखाया जाएगा, ठीक है गाइस। ध्यान दीजिए गाइस, इंपॉर्टेंट यही है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि 21 अगस्त को ट्विटर आंदोलन, देखिए 21 है हिंदी में लिखा गया है और ये 28 अगस्त है, ठीक है। एक कमेंट ऐसा भी आया था कि सर 27 अगस्त को, शायद उन्होंने इसको नहीं पढ़ा कि ये 20 अगस्त मंडे लिखा है, 28 अगस्त को मंडे को लखनऊ चलना है तो चलना है, ठीक है। और देखिए ट्विटर कैंपेन जो 21 अगस्त को होगा वो हमारा हैशटैग यही रहेगा, हैशटैग देखिए सभी जो लेटर हैं इस्तेमाल में है, #CM, यहाँ पे CM हमने लिखा है क्योंकि CM ही हमारे टारगेट हैं, CM तक ही हमारी बात पहुँचाना है, CM UP NHM 17,000 रिजल्ट डिक्लेयर करें, ठीक है, इस चीज़ को लिखना है। देखिए इस लेटर में जो है 8 अगस्त को ये लेटर आया था, ठीक है, 8 अगस्त को लेटर आया था, आज तारीख 20 अगस्त हो गई, अभी तक कोई NHM को रिजल्ट ले, NHM 17,000 को रिजल्ट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा हमको। गाइस देखिए कल के डेट में मैंने वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे कुछ निगेटिव कमेंट करने वाले आए थे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है NHM को भूल के आने वाले एग्जाम की तैयारी करें, सब लोग NHM को भूल जाएँ। तो गाइस देखिए सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आगे की तैयारी कर सकें, हालांकि भले ही आपका एग्ज़ाम जो भी फॉर्म फीस है 0 रुपये लगने वाला है, बट एग्ज़ाम देने में भी पैसा खर्च होता है, आगे की तैयारी करने में, देखिए मैक्सिमम लोग घर से तैयारी नहीं करते हैं, कहीं रूम लेकर पढ़ना पड़ता है, तो वो खर्च कहाँ से आएगा, घर से ही आने वाला है, तो देखिए मिडिल क्लास के लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एज भी समाप्त हो गया है, बहुत से एग्ज़ाम में एज का बाउंडेशन लगा रखा है, तो सब के साथ वो चीज़ें नहीं है जो इनके साथ हो रहा है, तो ये कमेंट आके कर दिए कि NHM को भूल जाएं भैया। देखिए आपको ऊंचाई, आसमान की ऊंचाई के बुलंदी को छूना है, तो आप जो सीढ़ी लगी रहती हैं उनके पहले या दूसरे सीढ़ी पर कदम बिना रखे आप नहीं आसमान की ऊंचाई की बुलंदियों तक तो पहुंच सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप बोलें कि हम कूद जाएं यहाँ पे, तो नहीं आप हो सकते, इसलिए जो भी मिडिल क्लास के या जो भी एकदम ज़्यादा वीक हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, वो यही करते हैं, पहले छोटी चीज़ को पकड़ते हैं उसके बाद, और यही सक्सेस भी होते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट सोचता है कि हम यहाँ पहुँच जाएँ, तो वो नहीं सक्सेस होता, वो डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं भाई, पहले आपके नीचे के 2-3 सीढ़ियों पर चढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप ऊंचाइयों पर पहुँच सकते हैं। तो चीज़ें यही हैं गाइज, सबके साथ वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और बाकी कमेंट जो आए हैं ठीक ठाक कमेंट यहाँ पे किया गया है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कम से कम अब तो सर का सपोर्ट करें, इतना परेशान हैं सर हम सब के लिए, सही बात है, अब रिजल्ट बिना आंदोलन और धरना के नहीं आने वाला है। बाकी और भी कमेंट आए हैं जो हमें मोटिवेट रखता है, अब तो सर का सभी लोग साथ दो, आप लोग सर आप सपोर्ट ही, आपका सपोर्ट ही तो मेरा मोटिवेशन है, और भी रिजल्ट कब तक आएगा यहाँ पे देख लीजिए, सारे लोग सर का सपोर्ट करेंगे तभी कोई सलूशन निकलेगा, ठीक है। और भी कमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत से सारे कमेंट हैं, सर आप ही ऐसे हो जो हम सबके लिए इतना परेशान है, बाकी किसी चैनल वालों को कोई मतलब नहीं है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और भी कमेंट हैं, आप लोग तो सर का साथ दो नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम अब तो सर, वही कमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं, सर आप हम लोगों के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, सही बात है, हमने गाइस UP NHM 17,000+ वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें किया है और आपको दिखाया भी है, ठीक है, चाहे वो RTI फाइल केस NHM को किया हो, चाहे ऑफिस जाओ, चाहे जो भी चीज़ें हुआ अपने स्तर से कर रहे हैं, किया है और कर भी रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, ठीक है गाइस। जैसा देखा होगा
UPSC एनम वैकेंसी में किया था हमने, स्टार्टिंग में किया था बट रिजल्ट आने के बाद हमने छोड़ दिया था। फिर ज्वाइनिंग चीज़ें बचा था तो हमें पता था कि ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, 1 महीना 2 महीना लेट ही सही लेकिन हो जाएगी, बट इतना तो कंफर्म हो गया था कि सिलेक्शन हो गया है हमारा। रिजल्ट आने से इतना तो हो जाता है कि संतुष्टि तो इतना मिल जाती है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग भले ही 1 महीना बाद 2 महीना बाद लेट ही सही। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप सीरियस होंगे, यहाँ पे आप जो लिखा है आइए मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलो सब, तो आप फॉलो करेंगे इस चीज़ को और उम्मीद करते हैं कि आपने इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाते हैं तो आपका रिजल्ट जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।